हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोबी केयर सॉल्यूशंस फोन फिक्स हैदराबाद टीम। जैसे कि फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सॉल्यूशन। आपने थंबनेल देखा और देखकर समझ गए होंगे ये पोको M2 प्रो हैंडसेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें एक और हैंडसेट आता है जो कि रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे आप चार्जर लगाते हैं तो बैटरी का सिंबल आ जाता है और सिंबल आकर के चला जाता है, उसके बाद हैंडसेट आपका ऑन नहीं होता है, परसेंटेज शो नहीं होता है। तो उसको कैसे रिपेयर करना है, इसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं आज के इस वीडियो में। जो मेरे भाई नहीं जानते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि मैं बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। बहुत ही डीपली आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें चेक करना है, क्या है। और इससे भी डीपली हम बताते हैं हमारी ऑनलाइन क्लास में, जो कि 20 सितंबर से है, जिसका फीस 14999 है और 1 ईयर तक सपोर्ट रहेगा। 6 मंथ तक आपके पास प्ले स्टोर में एप्लीकेशन रहेगा, जिसमें सारा वीडियोस कंटेंट आप देख सकते हैं, हर टॉपिक के ऊपर, हर लाइट एसी के ऊपर, हर ग्राफिक एसी के ऊपर, तकरीबन नेटवर्क सेक्शन, डेड मोबाइल, सिंगल पावर, डबल पावर, ट्रिपल पावर, डीएसओ की चेकिंग, सिग्नल कैसे चेक करना है, डेड मोबाइल कैसे चेक करना है, शॉटिंग कैसे हटानी है, हाफ शॉटिंग कैसे हटानी है, सारा का सारा डाटा आपको उसमें मिलेगा। वो वीडियो आप कहीं पर भी बैठ के अपने मोबाइल या लैपटॉप में देख सकते हैं। 6 महीने तक आपको उसका एक्सेस दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस हैंडसेट में आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब में, अगर आप बैटरी संभल का एरर डालेंगे तो बैटरी के अंदर जो हमारा रेजिस्टर होता है उसको निकाल करके शॉर्ट कर देंगे आप, ऐसे कई सारे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। वैसे कुछ मोबाइल्स में वैसा फॉल्ट आता है जिसका बैटरी खराब हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स हर एक में ऐसा होने वाला है नहीं। आपको बैटरी का रजिस्टर शॉर्ट करना नहीं है, सर्किट को बनाना है मोबाइल के मदरबोर्ड में। आज हम जो इसमें करने वाले है, जो कंपनी ने ट्रैकें दी है वहां पे कंपनी ने दो दो ऑप्शन रखे हैं, तो आज हम इसमें जो कंपनी ने अभी तक इसमें यूज की है आईडी और थर्मल लाइन, उसको हम डाइवर्ट करने वाले हैं, मतलब दूसरे रास्ते से उसको सेंस करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम आती है बैटरी की सेंसिंग लाइन से आती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आ जाइए थोड़ा नजदीक, ये देखिए बैटरी मैं यहाँ पे लगा लिया हूं, और बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे मैं चार्जर लगाता हूँ, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे चार्जर लगाता हूं मैं। देख सकते हैं चार्जर लगाने के बाद 0.6 ऐसा कुछ मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, बैटरी का सिंबल आता है और उसके बाद ये चला जाता है। देख सकते हैं पोको आएगा, पोको लिखा आएगा, चला जाएगा, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। बैटरी सिंबल आएगा, पोको लिखा आएगा और उसके बाद ये 0.6 ऐसा मिली एम्पियर कंज्यूम करेगा और उसके बाद ये चला जाएगा, ये देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम यही है फ्रेंड्स, तो इसको कैसे सॉल्व करना है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो स्किप मत करिए, ये सिर्फ इसी मॉडल के लिए नहीं है फ्रेंड्स। आपको अगर डायग्राम की नॉलेज होगी, आपको सर्किट की नॉलेज होगी, आपका हैंड स्किल अच्छा होगा, तो आप इस तरीके का फॉल्ट बहुत सारे हैंडसेट में आता है उसमें भी आप रिपेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ पोको M2 प्रो या फिर रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के लिए नहीं है, ये जो सेंसिंग लाइन में आज बताने वाला हूं, जो सर्किट में आपको आज बताऊंगा, वो आप ऐसा दूसरे हैंडसेट में भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा आप उसको यूज करके हैंडसेट को बना सकते हैं। बैटरी सिंबल आ रहा है तो कभी आप बैटरी चेंज कर देते हो, कभी फ्लैशिंग करते हो, कभी सीपीयू रिवॉल्व कर दोगे आप, या कभी पावर एसी या कभी चार्जिंग एसी बदल दोगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है नहीं फ्रेंड्स। प्रॉब्लम बहुत ही छोटा है, बट समझने पर छोटा है, अगर समझ ना आए आपको तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको लगेगा। फ्रेंड्स, आज जो सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ मोबी के सोल्यूशन की टीम की तरफ से, जो रिसर्च हम करते हैं, जो डेली काम करते हैं, ये देना भी बहुत बड़ा हमारे लिए रिस्क है, क्योंकि हम बहुत बड़े मार्केट में हमारे सर्विस सेंटर है, वहां से लोग आते हैं, काम कराते हैं, बट हमको उनसे कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। ये जो सोल्यूशन है, मेरे टेक्नीशियन भाई जो पूरे ऑल ओवर द इंडिया या वर्ल्ड में कहीं भी बैठ के देख रहे हैं वीडियो, उन सब भाइयों के लिए मैं सोल्यूशन बनाता रहूंगा, चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम आए ऐसे सोल्यूशन में लेकर आता रहूंगा। तो चलिए वीडियो स्किप ना करें और वीडियो पूरा देखें एंड तक, और वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक और कमेंट जरूर करना वीडियो पूरा देखने के बाद, स्किप मत करिए, एक बार देखिए, अच्छे से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पीसीबी को हम बाहर निकाल लेते हैं फोल्डर से, और उसके बाद हम चेक करेंगे जो मदरबोर्ड, ये मैंने बाहर निकाल लिया है। डिस्प्ले को हम बाजू रख देते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बैटरी कनेक्टर है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा,
तो बैटरी कनेक्टर पे जो यहाँ पे सप्लाई हैं, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये फर्स्ट जो पिन है इसकी ये वीबैट की सप्लाई है, और जो दूसरी पिन है ये इसकी एनटीसी पिन है जिसको हम बैटरी थर्मल कहते हैं, और तीसरी जो पिन है ये बीएस बैट बीएस जिसे कहते हैं बैटरी सेंसिंग, और चौथी ग्राउंड पिन है। ऐसे ही नीचे से अगर हम देखेंगे फर्स्ट पिन हमारी वीबैट की पिन है और ऊपर से ये कनेक्ट होती हैं, और वीबैट के बाजू जो दूसरी पिन है ये हमारी बैट प्लस की लाइन है, और उसके बाद की जो तीसरी पिन है हमारी वो बैटरी आईडी लाइन है जिसको हम आइडेंटिफिकेशन लाइन कहते हैं, और जो तीसरी पिन है आईडी लाइन, और चौथी हमारी ग्राउंड होती है। इसी को मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में भी बता देता हूँ। देख सकते हैं हार्डवेयर सोल्यूशन में यहाँ की जो आईडी और थर्मल की लाइनें हैं, आईडी और बीएस प्लस बीएस माइनस की लाइनें उन्होंने नहीं बताई है। वही चीज़ अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो ये देख सकते हैं इसका लेआउट में अगर आप जा करके बैटरी कनेक्टर ढूंढते हैं तो J2005 से अगर आपको ढूंढना होगा, यहाँ पे जैसे आप J2005 आप डालोगे तो ये बैटरी कनेक्टर है, और बैटरी कनेक्टर में देख सकते हैं ये हमारा वीबैट की लाइनें होती हैं, यहाँ पे एनटीसी जो कि थर्मल लाइन, और यहाँ पे बैट बीएस बैटरी सेंसिंग की लाइन है, यहाँ पे बैटरी बी प्लस की लाइन है पॉजिटिव की लाइन है, और यहाँ पे जीपीआईओ आईडी यानी हमारी आईडी लाइन है जो कि सीपीयू के साथ भी इस हैंडसेट में कनेक्ट होती है। इसके बाद लास्ट वाली लाइन हमारी ये ग्राउंड पिन होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखोगे इसमें तो सेंसिंग की ये सारी लाइनें होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वीबैट वीबैट सेंस वीबैट आई सेंस वीबैट वी सेंस पॉजिटिव वीबैट वी सेंस नेगेटिव वीबैट पैक सेंस वीबैट वी सेंस पॉजिटिव वीबैट वी सेंस माइनस यानी नेगेटिव लाइन। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही लाइनें हमारी एनटीसी और जीपीआईओ की जो दो पिने हैं यहां से होकर के दो रजिस्टर के थ्रू आगे बढ़ती है, और ये आगे जाकर के दोनों लाइनें हमारी बैटरी आईडी और बैटरी थर्मल मेन हमारी जो पावर एसी है इसमें 6250 यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक बार 6250 है इसके साथ कनेक्ट होती है, ये मैं अभी आपको डायग्राम में भी बताऊंगा। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा एक एन चैनल का मोसफेट रखा गया है जिसमें 1.8 का वोल्टेज दिया जा रहा है गेट पर, और यहाँ पे 10K के रजिस्टर के साथ इसको पुल अप किया गया है जीपीआईओ लाइन के साथ, और यहाँ पर सोर्स से ये लाइन सीपीयू में जाती है, और जो गेट है इसका ये इनपुट सप्लाई है, यहाँ से आकर के 0 ओम्स के रजिस्टर के साथ भी कनेक्ट होती है, और ये ड्रेन के साथ कनेक्ट होती है। जब इसमें 1.8 वोल्टेज दिया जाता है लॉजिक हाई तब यहाँ पर से ये सीपीयू को इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे फ्रेंड यही 1.8 का वोल्टेज यहाँ पे आईडी लाइन पे भी दिया है, पुल अप कराया जा रहा है एक 2470R रजिस्टर के थ्रू, और बीच में फिर आपको एक 33 ओम्स का एक रजिस्टर मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 100 ओम्स के एक रजिस्टर के साथ ये लाइन हमारी जाती है पावर एसी यानी चार्जिंग एसी के अंदर। यहाँ पे पैरेलल में आपको टीवीएस डायोड रखे गए हैं, जितनी भी सप्लाई है सब में टीवीएस डायोड रखा गया है ताकि प्रोटेक्शन के लिए, और सीरीज में 0 ओम्स के रजिस्टर रखे गए हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कूल टेस्टिंग की तो ये चारों पिनों की हम कूल टेस्टिंग कर लेते हैं बैटरी कनेक्टर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमको पूरे सारे के सारे पिनों की कूल टेस्टिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 ये हमारी आईडी लाइन है और ये हमारी थर्मल लाइन है। थर्मल लाइन के बाजू में जो है हमारी बीएस बैटरी सेंसिंग की लाइन होती है, और आईडी के पास जो होती है वो हमारी बी प्लस की लाइन होती है। तो ये चारों पिनों में हम कूल टेस्टिंग करेंगे, और ये दो पिन में भी कूल टेस्टिंग करेंगे वीबैट की सप्लाई, और उसके बाद कैसे हमको देखना है ये देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डायोड मोड में रख लेते हैं, डायोड मोड में रख लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम रेड प्रोब को ग्राउंड करेंगे। सबसे पहली जो लाइन है हमारी ये वाली वीबैट की लाइन है, तो वीबैट लाइन को चेक करेंगे। तो यहाँ से हम सिर्फ बीप को ऑफ कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वीबैट में हमारा 380-390 के आसपास वैल्यू आ रही है, लास्ट डिजिट को आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हमारा एनटीसी बैटरी थर्मल लाइन में 780 के आसपास जीआर आ रहा है, और बीएस बैटरी सेंसिंग में कोई वैल्यू नहीं है, ये ओपन आ रही है। नेक्स्ट नीचे वीबैट, ये तो वाली तो ग्राउंड पिन होगी हमारी, जो कि हमारी लास्ट वाली पिन ग्राउंड होती है। तो फर्स्ट हमारा
चलिए लास्ट वाली पिन में आपको बीप भी सुना देते हैं, देख सकते हैं ये ग्राउंड पिन होती है हमारी लास्ट की। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये हमारी वी बैट वही सेम ऊपर जो वैल्यू आ रही थी 390 की। तो दूसरी जो लाइन है हमारी बीएस की लाइन है जिसमें 570 के आसपास जीआर मिल रहा है। उसके बाद है बैटरी आईडी लाइन। आईडी लाइन में अगर आप देखोगे तो 370 तो आ रही है। इस तरह का कंपनी ने सर्किट बनाया है और बीएस में एक 0 ओम्स का रजिस्टर लगाया है और यहाँ पे आप देखोगे एनटीसी लाइन हमारी और ये हमारा वीबैट। तो अब फ्रेंड यहाँ पे जीआर तो ओके है, एक बार हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज चेक करने के लिए पीसीबी फोल्डर में हम डालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बता दूँ बैटरी आईडी लाइन में आपको 1.8 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा और थर्मल लाइन में आपको 1.1 के आसपास मिलेगा और वी बैट में कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा क्योंकि बैटरी लगने के बाद ही वोल्टेज आता है। तो एक बार विद बैटरी और विदाउट बैटरी दोनों में क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे चार्जर लगा देता हूँ मैं सबसे पहले। चलिए यहाँ पे मैंने चार्जर लगा दिया है और हम अब चेक करेंगे वोल्टेज। तो वोल्टेज चेक करने के लिए आपको पता ही है रेड प्रोब से चेक करना होता है, ब्लैक को ग्राउंड करना होता है। तो वी बैट में सबसे पहले चेक कर लेते हैं। वी बैट में देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। चलिए थर्मल में चेक कर लेते हैं। थर्मल में 1.1 वोल्ट के आसपास आपको मिलेगा जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। और बीएस में आपको देख सकते हैं 0.13 मतलब ना के बराबर वोल्टेज मिल रहा है, ये तो ग्राउंड है। नीचे फिर हमारा वी बैट है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। बैट प्लस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 0.65 मिली वोल्ट ऐसे मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं और 0.6507 वोल्ट के आसपास कभी आ रहा है कभी जा रहा है। ये हमारी बैटरी पीएस की लाइन है, बैटरी प्लस बी प्लस। और आईडी लाइन में अगर आप देखोगे तो ना के बराबर वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पे जैसे कि 1.8 वोल्टेज आना चाहिए क्योंकि एलडीओ 10 से आता है पावर एसी से, बट यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। है कि 1.8 का वोल्टेज मतलब आईडी में वोल्टेज नहीं आ रहा है और इसमें एनटीसी में आपका वोल्टेज बहुत ही कम आ रहा है और वीबैट तो बाद में ही आता है। तो इसमें करना क्या है फ्रेंड्स, सिंपल आपको डायरेक्ट सोल्यूशन मैं इसमें बताता हूँ। ये जैसा आप देख सकते हैं ये हमने पूरा डाटा शीट यहाँ पे बनाई है। तो अभी जो कंपनी ने जो रजिस्टर्स यूज किए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको आके बता देता हूँ आपको। ये जो सर्किट हमने बनाया है ऐसा मोबाइल में सारा कुछ लगा हुआ है और ऐसा ही है। सीपीयू में जो लाइन जा रही है वायर जीपीआईओ की, मोसफेट लगा है, रजिस्टर लगा है, यहाँ पे देख सकते हैं पुल अप सर्किट, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहा है। बैटरी आईडी की लाइन पावर एसी में जाती है 116 नंबर में और थर्मल की लाइन जाती है 126 में। इसके अलावा पैकसेंस की 146, वी बैट वी एस एन एस एन 52 में जाती है और आईडी तो थर्मल आईडी तो 116 में जाती है जैसे मैंने बताया आपको। और ये सेंस नेगेटिव की लाइन पॉजिटिव की लाइन 71 में जाती है। इसके अलावा आई सेंस और आई सेंस माइनस आई सेंस प्लस ये दोनों लाइन जो है 87 और 89 में जाती है। और जो वी बैट की सप्लाई है आपकी ये 6 पिनों में जाती है, 6, 25, 15, 34, 44 और 53। इस 6 पिनों में आपकी ये जो आईसी है PM6250 ये डीसी टू डीसी प्लस पावर एसी है, मेन पावर एसी होती है इसकी। तो इसी में आपकी चार्जिंग एसी भी रखी गई है। तो यहाँ पे सेंस रजिस्टर है जैसे कि आप देख सकते हैं सेंसिंग रजिस्टर, जो कि यहाँ पे मैं आपको बोर्ड में भी बता देता हूँ, शायद ही आपके टीचर ने ये सारी चीज आपको बताई होगी। पहले जो सेंस रजिस्टर आया करते थे 0.002 इस तरीके से लिखा हुआ, ये देख सकते हैं ये अभी लेटेस्ट सेंस रजिस्टर्स है, ये वाले आ रहे हैं अभी। तो सेंस रजिस्टर पहले का भी आपको पता ही होगा जो कि कोड रजिस्टर आया करता था,
अगर मिल जाए तो बता ही देता हूँ मैं आपको। चलिए यहाँ पे मुझे मिल गया है, ये देख सकते हैं ये व्हाइट वाला जो देख रहे हैं आप R010, ये सेंस रजिस्टर जो कि पहले आया करते थे, अभी ये बंद हो चुके हैं, अभी लेटेस्ट इस तरीके से आ रहे हैं यहाँ पर जो देखो मैंने बताया आपको, ये वाले अभी लेटेस्ट सेंस रजिस्टर होते हैं। इसके निकाल देने से आपका फेक चार्जिंग होगा, परसेंटेज वगैरह में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स करना क्या है, कंपनी ने जो लाइनें यूज की है अभी VBAT VSense P जो कि R2036, और दूसरा जो रजिस्टर कंपनी ने यूज की है फ्रेंड्स 2036, ये मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक रजिस्टर उन्होंने यूज किया है और दूसरा रजिस्टर यहाँ पे यूज किया है। ये दोनों रजिस्टर मतलब यहाँ से चौथा लेआउट में आते हैं, चौथा नंबर 2039 डायग्राम में आ जाते हैं, डाल देते हैं। तो ये देख सकते हैं ये सर्किट कंपनी ने अभी इस्तेमाल किया है 2039 2037, यानी बी प्लस की लाइन कंपनी ने यूज की है। बैटरी स्टेटस ये दो लाइनों ने इन्होंने मतलब यूज की है। तो अब हमको फ्रेंड्स ये बी प्लस से हमको डाइवर्ट कर देना है वी सेंस पॉजिटिव में, और जो बैट बीएस की लाइन है बैटरी सेंसिंग की लाइन है इसको डाइवर्ट हमको कर देना है वी बैट सेंस में। मतलब हमको जो रजिस्टर लगाने हैं 2036 और 2038 पे लगाना है। तो अगर यहाँ पे अगर आएंगे तो 2038 यहाँ पे है बाजू में और 2036 यहाँ पे है बाजू में। अभी जो कंपनी ने लगाया है यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया है, यहाँ पे एक लगाया है, चलिए फिर से बता देता हूँ मैं, देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने लगाया है। तो हमको करना कुछ नहीं फ्रेंड्स, ये रजिस्टर उठाना है यहाँ पे डालना है और ये रजिस्टर उठाना है यहाँ पे डालना है, मतलब हमको सिर्फ इसकी सेंसिंग की जो लाइन है उसको डाइवर्ट कर देना है। एक 2036 में डाल देंगे, एक 2038 में डाल देंगे। तो 36 हमारा जो है यहाँ पे है और 38 जो है हमारा यहाँ पे है। तो करना क्या है फ्रेंड्स, आपको इस वाले रजिस्टर को यहाँ पे डालना है और ये वाले रजिस्टर को हमको यहाँ से कनेक्ट कर देना है। बस रजिस्टर हमको यहाँ से हेरा फेरी करनी है, सर्किट को कंफ्यूज करना है, सर्किट को डाइवर्ट कर देना है, आपको सेकेंड सर्किट लाइन यूज करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन देंगे और ये लाइन यूज कर सकते हैं आप, ये लाइन यूज कर सकते हैं, या जीरो ओम भी बोल सकते हैं आप, या ये रजिस्टर यूज कर सकते हैं, या दो दो लाइनें दी हैं कंपनी। आगे जा करके ये दोनों लाइनें जो आगे जा करके मिल जाती हैं आपके पावर आईसी के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों लाइन आगे जा करके मिल जाती है, एक 71 पे मिल जाएगी और दूसरी ये जो लाइनें हमारी 52 के साथ मिल जाएगी। तो इसको मैं डायग्राम में भी सर्च करके बता देता हूँ आपको, इसको आहिस्ता से आपको सर्च करना है। यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है, ये देख सकते हैं 52 और 71, यही चीज मैंने यहाँ पर बताई है 52 और 71। माइनस वाली जो लाइन है 52 में जाएगी और पॉजिटिव वाली लाइन 71 में जाएगी। अब कंपनी ने ये वाली लाइन यूज की है बी प्लस की और नीचे जो यूज की है यहाँ पर ये वाली लाइन बी माइनस की लाइन, मतलब बैटरी स्टेटस की, बैटरी सिंबल की लाइन, या बैटरी स्टेटस की, या बैटरी आपकी सेंसिंग की लाइन यूज की है। तो अब हम यहां से 36 वाला यूज कर लेंगे और यहां पर 26 वाला यूज कर लेंगे। तो येलो मार्क मैंने डाले हैं, इन्हीं चार रजिस्टर्स की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो चलिए रजिस्टर को घुमाते हैं और सर्किट को कंफ्यूज करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। यहां पे थोड़ा सा फ्लक्स डाल लेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स जैसे ही हमारा पीसीबी कूल हो जाता है तो हम चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। बैटरी को लगा देते हैं, तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं।
तो ये देख सकते हैं हमारा हैंडसेट अभी ऑन हो रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चार्जिंग परसेंटेज आ चुका है। और एक बार मैं आपको यहाँ पे भी बताना चाहूँगा, देख सकते हैं 1.8 एम्पियर ले रहा है। तो एक बार हम ऑन भी कर लेंगे इसको, देख सकते हैं 1.8 एम्पियर पूरा का पूरा कंज्यूम कर रहा है। जैसे ऑन हो जाएगा तो 2 एम्पियर तक भी ये जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने रेजिस्टर्स को यहाँ से रिमूव करके, सर्किट को कंफ्यूज करके हमने सेकंड वाली जो लाइनें हैं दी गई हैं वो यूज़ की हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हैंडसेट हमारा ऑन होते हुए और चार्जिंग प्रॉपर ले रहा है, यहाँ पर पूरा 1 एम्पियर कंज्यूम्ड है अभी। और मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो चार्जिंग का भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है और हैंडसेट हमारा रिकवर हो चुका है। ऐसे में अगर आप फ्लैशिंग करोगे या फिर प्रोग्रामिंग करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कस्टमर का डाटा भी है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं चार्जिंग का सिंबल वगैरह आ चुका है और चार्जिंग 28% यहाँ पर बता रही है। तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा बहुत ही सिंपल मेथड से हमने इस हैंडसेट को रिकवर किया है। दोस्तों नॉलेज जो होती है फ्रेंड्स वो इम्पोर्टेंट होती है, कितना काम किया है क्या किया है ये नहीं। मेरा इस वीडियो में ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पोको M2 Pro और Redmi Note 9 Pro Max चार्जिंग सेबल में काफी सारे सेट मार्केट में घूम रहे हैं और लोग CPU कर रहे हैं, पावर कर रहे हैं, चार्जिंग AC बदल रहे हैं, ऐसे में मोबाइल को डेड कर रहे हैं या मोबाइल खराब कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे टेक्नीशियन भाई जो है ऐसे हैंडसेट को रिपेयर करें, वापस ना जाने दें, प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करें। तो फ्रेंड्स और आप अच्छे से काम करिए, नॉलेज के साथ काम करिए। कुछ आपके पास ज्यादा प्रॉब्लम आता है ऐसे हैंडसेट मार्केट में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। और 20 तारीख से हमारा ऑनलाइन का बैच है जिसमें मैं ऐसे अनगिनत सॉल्यूशंस आपको देने वाला हूं। जी हाँ फ्रेंड, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहेगी, छोटा छोटा सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन हैंडसेट आपका ऑन नहीं होगा। सीपीयू कर रहे हो कैमरे नहीं आ रहे हैं, सीपीयू कर रहे हो ऑडियो नहीं आ रहा है, सीपीयू कर रहे हो वाइब्रेटर काम नहीं कर रहा है, ऑन ऑफ की काम नहीं कर रहा है, स्लीप मोड में हैंडसेट जा रहा है वापस नहीं आ रहा है, क्वालकॉम 9008 पोर्ट बना रहा है बट हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है, UFS आपकी कनेक्ट नहीं हो पा रही है या कनेक्ट हो रही है, या मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, रैम का इश्यू है, रैम के वोल्टेजेस क्या है, कब डीएक्टिव होगा कब एक्टिव होगा सारा चीज बताऊंगा, बेसबैंड अननोन है, बेसबैंड कैसे आपका रिपेयर होगा, हार्डवेयर से होगा कि सॉफ्टवेयर से होगा, सिक्योरिटी IMEI जा चुका है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, नो सर्विस है, रेडियो ऑन है, नो सर्विस है, रेडियो ऑफ है, इमरजेंसी कॉल है, या सिम डिटेक्ट नहीं कर रहा है, या 2G 3G तो काम कर रहा है 4G नहीं कर रहा है, या 4G काम कर रहा है तो 2G 3G नहीं कर रहा है, ये सारा सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। डेड मोबाइल में शॉर्टिंग, लीकेज, हाफ शॉर्टिंग सारा कुछ आपको मिलने वाला है। दोस्तों मेरा जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आपको मिलने वाला है 6 मंथ के लिए, ओनली एक बार आपको परचेस करना है, 6 महीने तक आपके साथ रहेगा, आप तब तक बहुत कुछ सीख चुके होंगे, टीचिंग लेवल की नॉलेज आपको इसमें मिलने वाली है। 10 दिन मेरी लाइव क्लास है जिसमें आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम पूछ सकते हो। और रही बात फ्रेंड्स अगर आप ऑफलाइन जाकर किसी के पास सीख रहे हो, अगर हैंड स्किल का काम आपको सीखना है, रिबॉलिंग सीखनी है, IC डालना निकालना, ब्लैक प्रेशर वेट पिस्टन, तो आप जाइए, मैं मना नहीं करूंगा, मैं खुद ऑफलाइन स्टूडेंट को बुलाता हूं हैंड स्किल के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स अगर आपको सर्किट की नॉलेज लेनी है, डायग्राम की नॉलेज लेनी है, लाइनों की नॉलेज लेनी है, वोल्टेज मेजरमेंट की नॉलेज लेनी है, DSO की ट्रेनिंग लेनी है, तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। 15-20 दिन के अंदर आपके दिमाग में कोई चीज आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। 20 दिन आप किसी के पास बैठ रहे हो या 30 दिन बैठ रहे हो, टीचर आधा घंटा पढ़ाएगा, 2 घंटा पढ़ाएगा, या दिन भर थ्योरी पढ़ाएगा, आपको पका देगा, डेली नया नया टॉपिक आएगा, आपके दिमाग में सारी चीजें जाएगी नहीं, फिर आप टीचर को गाली दोगे या इंस्टीट्यूट वालों को गाली दोगे, क्योंकि आपका पैसा बहुत मेहनत का है फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं कि आपका मेहनत का पैसा आप ऐसी जगह पर जाकर लगाए जहां से आपको कुछ रिटर्न मिले। जी हाँ फ्रेंड्स हैंड स्किल के लिए जाना है जाइए आप, लेकिन नॉलेज आप नहीं कैच कर पाएंगे फ्रेंड्स, मैं लिख के दे देता हूं आपको। अगर आप स्मार्ट है, पहले से काम कर रहे हैं, तब भी आप थोड़ा बहुत कुछ कैच कर पाओगे,
क्योंकि डेली एक नया टॉपिक होगा, नई प्लेस होगी, रहने के लिए आपको मुश्किल होगी, खाना नया मिलेगा अदर सिटी में, खाना मैच नहीं होगा, हेल्थ खराब हो जाएगी आपकी, नींद नहीं आएगी आपकी, परिवार से दूर हो आप, घर वालों से दूर हो, माँ बाप से दूर हो, और सबसे बड़ी बात आप अपना दुकान बंद करके जाते हो, यानी आपकी इनकम भी जा रही है। आपको दुकान बंद नहीं करना है, आपको घर वालों से दूर नहीं जाना है, आपको माँ बाप से दूर नहीं जाना है, आपको अपने शहर में रहकर ही काम सीखना है, तो मेरा एप्लीकेशन ले लीजिए आप, पूरा पैसा वसूल है आपका। इसका फीस फ्रेंड पहले हमने 25,000 रखा था, क्योंकि ये टीचिंग लेवल का डाटा आपको मिलने वाला है, लेकिन फ्रेंड्स हमने सोचा कि स्टूडेंट को ऑफर देते हैं सेप्टेम्बर अगस्त बैच में और सेप्टेम्बर बैच में ओनली 14999 फीस रखी गई है, अभी ले लीजिए जी हाँ फ्रेंड्स, अभी व्हाट्सअप करिए, डिटेल ले लीजिए, मेरा फाइल ले लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप, आपके पास सारा वीडियोस आपको मिलता रहेगा, आप देखते रहिए, जब टाइम मिला आप देखिए, जितनी लाइट एसी है सबको कवर कर दूंगा, जितने चार्जिंग एसी है सबको कवर कर दूंगा, मीडियाटेक, क्वालकॉम, ज़ायनॉक्स सबके बारे में बताऊंगा, लेटेस्ट हैंडसेट 4G और 5G दोनों का आपको इसमें सोल्यूशन मिलने वाला है, बाकी आपकी मर्जी है फ्रेंड्स, आपका पैसा है, आपका टाइम है, अगर टीचर के लिए थाली मारने जाना है तो जाइए, ओनली सीपीयू डाल के आना है तो आइए, 50-60 हजार रुपए दे करके सीपीयू डालने की जरूरत नहीं है, ओनली सीपीयू का कोर्स करना है आपको, ओनली आईसी लगाना निकालना सीखना है आपको, तो 20,000 रुपए मुझे दे दीजिए आप, मैं आपको 1 वीक के अंदर 4G में 5G में कोई भी सीपीयू डाल सकते हैं, हैंड स्किल आपका इतना पक्का कर दूंगा, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डुअल डेकर, ये सारा चीज आपका हैंड स्किल में आपका ऐसा बना दूंगा कि कोई भी सीपीयू आप ऑन मोबाइल का निकाल के डाल सकते हैं, वन प्लस के सेट का भी क्यों ना हो, जी हाँ फ्रेंड्स, सैमसंग डुअल डेकर हो या वन प्लस डुअल डेकर हो आप बना सकते हैं, सैमसंग सिंगल सीपीयू हो, मीडियाटेक और आपके ज़ायनॉक्स क्वालकॉम सीपीयू हो आप आराम से कर सकते हैं, जी हाँ फ्रेंड, हैंड स्किल का अगर आपको काम सीखना है तो मेरे पास आ जाइए 10 दिन के लिए, आपका हैंड स्किल जबरदस्त कर दूंगा, 8 से 10 घंटा क्लास रहेगी आपकी, अगर आपको नॉलेज लेनी है तो मेरा एप्लीकेशन ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, सोचिए इस पे अच्छे से, आपको कहां जाकर सीखना है, सर्किट डायग्राम सिखाऊंगा, एक एक लाइन के बारे में बताऊंगा, कंपोनेंट बताऊंगा कैसे जा रहे हैं, कैसे एप्लीकेशन में लगे हैं, रजिस्टर कितने एप्लीकेशन में लगते हैं, कितनी तरह से लगते हैं, सीरीज, पैरेलल, सेंसिंग, आपका पुल डाउन हो या पुल अप तरीके से लगे हैं, कैपेसिटर है, फ्लाइंग कैप है, कपलिंग कैप है, पैरेलल कैप है, कैसे लगे हैं, डायोड है, सीरीज में लगा है, पैरेलल में लगा है, कॉइल है, सीरीज में लगा है, कपलिंग में लगा है, या फिर आपका कॉइल है फ्लाइंग जैसे लगा है, फ्लाइंग कॉइल लगा है आपका, सारा चीज बताऊंगा आपको, पैरेलल में भी कॉइल होते हैं, फ्लाइंग कॉइल होते हैं, कपलिंग कॉइल होते हैं, ये पता नहीं है स्टूडेंट्स को, इसीलिए काम नहीं कर पाते हैं, 2G बैंड, 3G बैंड, RXJS की लाइन नहीं पता है इसलिए काम नहीं कर पाते हैं, मीडियम बैंड क्या है, हाई बैंड क्या है, लो बैंड क्या है नहीं पता है, 5G के लिए क्या आ रहे हैं अभी लाइनें नहीं पता है इसलिए आपसे मोबाइल नहीं बन पाता है, रेडियो ऑफ आता है निकाल नहीं पाते हैं, उसको पकड़ नहीं पाते हैं, कैसे पकड़ना है मैं आपको बताऊंगा, जी हाँ फ्रेंड्स ज्वाइन करिए आज ही मोबीकेयर सॉल्यूशंस, 20 तारीख सितंबर 20 से मेरा ऑनलाइन क्लास है, जुड़ जाइए, हर रात 9:30 से 11:30 दो घंटा आपको देना है, अपने आप को अपडेट करिए, बैठे रहेंगे दुकान में सोचते रहेंगे, सेट वापस जाते रहेंगे, सामना दुकानदार बना के दे देगा, आपका कस्टमर खराब होगा, आपका नाम खराब होगा, या नहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो सिर्फ वीडियो देख करके स्टूडेंट के सीपीयू डाल रहे हैं यही बताएंगे, कभी कोई स्टूडेंट उनका बड़ा मोबाइल बना के नहीं बताएगा, कभी कोई टीचर इनका बड़ा मोबाइल बना के नहीं बताएगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ के आ रहे हो, बाकी फ्रेंड आपकी मर्जी है, जहां जाना है जाइए, मेरा काम है आपको अवेयर करना, बाकी आपकी मर्जी है, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए, यहाँ पे मैंने आईडी और थर्मल लाइन को चेंज किया है, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे जो रजिस्टर्स मैंने चेंज किए हैं, दोनों जो लाइनें थी हमारी BS और BS प्लस दोनों लाइनों को चेंज किया है, वी सेंस पॉजिटिव और वी सेंस नेगेटिव में मैंने कन्वर्ट कर दिया है इनको, और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, चार्जिंग फुल एम्पियर ले रहा है और चार्जिंग का सिंबल भी चला गया, हैंडसेट मेरा ओके हो गया है, तो ये मेरे पास एक मोबाइल आया था, काफी दिनों से मैं देख रहा था ऐसा मोबाइल आ जाए मेरे पास, इससे पहले नोट 9 प्रो मैक्स भी आया था, उसको भी मैंने बना के दिया, दोनों हैंडसेट एक ही कस्टमर के थे, बट मदरबोर्ड सेम रहने की वजह से मैंने दोनों का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि M2 प्रो को मैंने रख लिया, यहाँ पे मैंने आपको इसका सर्किट डायग्राम भी बनाकर डाटा शीट दी है, उसको भी देख लीजिए, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे ऑनलाइन कोर्स में 20 सितंबर को, जुड़े रहिए मोबीकेयर सॉल्यूशंस हैदराबाद टीम के साथ, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।